माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपका ये वैलेंटाइन बहुत ही अच्छा रहे और आपने जिस भी पर्सन को सच्चे दिल से चाहा है वो पर्सन आपको मिले, आपकी लाइफ में आए और उसके साथ आपकी जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़े। ओके, जितने ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए तो और भी ये ज़्यादा एक हाई टाइम होता है, इंटेंस टाइम होता है। तो वो लोग भी अपने लव रिलेशंस को आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल रहें। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो आज एक वैलेंटाइन डे का दिन है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर के आती हूँ कि आपके बारे में आपके पार्टनर सोचते क्या हैं। लाइक हम हमेशा किसी के बारे में कुछ चीज़ें सोचते हैं, ये पर्सन ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट, हमारे कुछ जजमेंट्स होते हैं एक पर्सन के बारे में। तो वही जजमेंट्स आज हम लोग देखेंगे कि क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, और ये करंट वरेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक जो फीलिंग होगी ना वो कोर पे चलेगी। ओके, अगर डिफरेंस आता है तो लंबे समय पे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, कल ही आपने उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज होंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, दी वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचें और इन दो पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सिलेक्ट करें और फिर हम अपनी रीडिंग को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। तो आप अभी अपना पाइल चुनें, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी द वर्ल्ड पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून पाइल की। तो हम लोग अपने पाइल को हटा देते हैं, एक पाइल को, और दूसरे वाले पाइल से शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा द वर्ल्ड पाइल और ये कुछ डेक्स एक्स्ट्रा मैंने रखे हैं। इससे पहले कि मैं अपने रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ओके, तो अभी अभी भी कुछ कार्ड्स आपके बचे हैं तो उसको मैं आगे जाके निकालूंगी। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा कार्ड है वो काफ़ी खतरनाक कार्ड निकल के आया है, द डेविल का। ओके, तो कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ होती हैं, हमारे अंदर होती है, सब सारी ही जितने भी बंदे हैं उसमें कोई ना कोई एक नेगेटिविटी होती है। तो जो भी आपकी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी से आपके पर्सन बिल्कुल रूबरू हैं, बिल्कुल उन्हें पता है क्या चीज़ें आप फील करते हो, क्या आप सोचते हो, क्या आपके दिमाग में चलता है, आपके इंटेंशंस क्या हैं क्या नहीं। तो वो चीज़ें ना उनके माइंड में एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल आइडिया होना, उस टाइप का सिचुएशन इस पर्सन के मन में है। कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आपके लव रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशंस बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है। मे बी आपके पार्टनर किसी टाइप के ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंगेज कर रहे हों, जिसकी वजह से जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो नेगेटिव हो जाती है। ओके, दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन से सराउंडेड हो सकते हैं जो आपको इस पूरे सिचुएशन में डेविल की तरह दिखाए, और उस पर्सन का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ अगर आप देखते हो तो परत बाय परत, ये मतलब जैसे जैसे आपको जानने का जो प्रोसेस है ना, इन्होंने आपका एकदम सडन जजमेंट नहीं किया होगा अपने माइंड में। अब ये चीज़ नॉर्म ऐसे नहीं होती है कि आप किसी के बारे में बैठ के सोचते हो कि भाई ये पर्सन ऐसा है, नहीं, ये चीज़ ना धीरे 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 इस पर्सन के माइंड में आई है। ओके, कि आप ऐसे हो, स्टेप बाय स्टेप आपके एक्शंस को देख के, आपके चीज़ों को करने के तरीकों को देख के, इन सारी चीज़ों को देख के वो एक जजमेंट पे पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो काफ़ी ज़्यादा एंगर करते हैं, तो कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली आप अपने पार्टनर पे
कभी कभी टेम्पर इश्यूज थ्रो कर देते हो या टेम्पर थ्रो कर देते हो या खुश नहीं रहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। और ये चीज़ वो कहीं ना कहीं सोचते हैं आपके बारे में। दूसरी जो हमारी एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो जितना एक तो चीज़ देखिए, डेविल के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द मजीशियन, तो एक आप कह सकते हो कि आप उनके नज़र में आपकी इमेज बिल्कुल ऐसी नहीं है कि बहुत लविंग है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत मासूम है, नहीं, एक जो प्रैक्टिकल पर्सन होता है उस टाइप की एनर्जीज है। आपकी नेगेटिविटीज़ को भी ये पर्सन जानता है और आपकी पॉजिटिविटीज़ को भी ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है। तो एकदम जो प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच होता है ना, उसको इन्होंने पकड़ा है। ऐसे नहीं कि एकदम ड्रीमी दुनिया में खोए हैं कि भाई ये तो दुनिया की सबसे अच्छी है या सबसे अच्छा लड़का है या लड़की है या वो वाली फीलिंग, नहीं, एकदम प्रैक्टिकली जिसको कहते हैं ना जजमेंट करना, इन्होंने मन, ये मन से जानते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हो। दूसरी बात है कि दे नो जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है, वो जानते हैं कि आप अपने काम को करने के लिए, अब ये काम किसी भी टाइप का काम हो सकता है, आपके घर का काम हो सकता है, आपके ऑफिस का काम हो सकता है, किसी भी काम को करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो और आप कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि बहुत मतलब मेहनत करके अपने गोल्स को पाने की हिम्मत रखते हो। ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये भी शो करती हैं कि हो सकता है जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो आपके फैमिली का कोई पर्सन है। कॉन्फिडेंस है आप में और आप बातों को जल्दी नहीं भूलते हो, ये सब वो आपके बारे में सोचते हैं, मैं नहीं सोचती हूँ। बातों को जल्दी नहीं भूलते हो, अगर आप किसी चीज़ में उनको ड्रैग करना चाहो तो बहुत लंबे समय तक ड्रैग कर सकते हो। तो ये एक इंडिपेंडेंट टाइप के पर्सन हो। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम मैं तो वर्क नहीं कर रहा या तो मैं तो वर्क नहीं कर रही, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेंटल इंडिपेंडेंस जो होता है वो आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा उन्हें नजर आती है, उन्हें पता है कि आप वही करोगे जो आपका मन करेगा, और अगर आपको दाएं बाएं इधर इधर खिसकाने की किसी ने कोशिश करी तो आप उस चीज़ से एग्री नहीं करोगे। कॉन्फिडेंस आप में है, पैशनेट हो अपने वर्क को लेकर के, करेज, ये भी चीज़ वो सोचते हैं आपके बारे में कि आप करेजफुल हो। आपके अंदर करेज है। थोड़े भुलक्कड़ किस्म के हो और थोड़े हॉट टेम्पर्ड हो, डेविल से भी और क्वीन ऑफ वॉन्ड से भी हॉट टेम्पर्ड होगा ऐसा सा वो सोचते हैं। फिर आता है फाइव ऑफ कप्स। तो एक इमोशनल बॉन्डिंग की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे आप लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी चलती है, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने में। बट समवेयर दे फील कि आप अपनी बहुत सारी दिल की बातें, बहुत सारी दिल की बातें अपने मन में रखते हो। देखिए एक चीज़ है, ये पर्सन के साथ आप रहोगे ना, आपको कभी कभी बहुत दिक्कत आएगी, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये रिलेशनशिप रहने के लायक नहीं है, बट समहाउ आपका इमोशनल सेटअप इस पर्सन के साथ इतना अच्छा रहेगा कि आप इससे निकल नहीं पाओगे। हाँ, टेंशन रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट आप इससे निकल नहीं पाओगे। और ये पर्सन शायद आपको शो नहीं करेंगे मगर ये आपको लूज करने का बहुत डर करते हैं। बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं आपके लाइफ में जिसको लेके आप काफ़ी रिग्रेटफुल हो, वो रिग्रेट इस पर्सन को आपकी आंखों में नज़र आता होगा। बहुत सारे ज़िंदगी में आपके लॉसेस हुए हैं, इस चीज ये चीज़ इनको नज़र आती होगी, और आपने कितना हार्ड वर्क किया है अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बैलेंस करके चलने का, ये भी इस पर्सन को नज़र आता होगा। आप क्या काम करते हो, कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करते हो, कितने एफिशिएंट हो, तो ये सब कुछ एक ऐसी एनर्जीज है ना जो आपके पार्टनर को आपके बारे में पता होंगे, जो आपको उनको बतानी नहीं पड़ेगी। अब ये एक डिफरेंट बात है कि वो इस चीज़ को आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं या नहीं, बिकॉज अगर नहीं एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो क्या फील करते हैं, क्या नहीं फील करते हैं। आप लोगों का सेपरेशन होता है तो आप दोनों ही रोते हो बिकॉज कनेक्शन स्ट्रांग है। लाइफ बहुत टाइम तक आपकी लोनली चली है, इस बात को आपने बताया होगा या आप वो खुद ब खुद महसूस कर पाते होंगे। एट ऑफ बॉन्ड्स, बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लाइक उनकी थिंकिंग है कि भाई इससे हो जाए शादी,
अब इसके लिए मुझे कितना भी दाएं बाएं करना पड़े, कितना भी मैनिपुलेट करना पड़े, बट हो जाए शादी, ओके, जहां तक मेरे कंट्रोल में होगा मैं शादी करने की कोशिश करूंगा या करूंगी, ये फीलिंग है इस पर्सन को, ओके। और समवेयर इसमें कि क्या करना है, आपके प्लान्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपके एक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, ओके। कभी कभी आप थोड़े हैपेजर्ड हो जाते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी एनर्जी ऑर्गेनाइज्ड आ रही है, तो ये चीज भी आपके पार्टनर को पता होगा। आपको सुनने को जरूर मिला होगा कि कभी कभी आप मैनिपुलेट करते हो उन्हें, या आप मैनिपुलेटिव हो, या बातें छुपाते हो, इसी टाइप का कोई लाइन आप समझ लो, बहुत सारे तरीकों से बोला जाता है, ओके। या आप अपनी गलतियों को नहीं मानते हो, या आप ईगोइस्टिक हो, तो आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी पे एक्चुअली लोग जो होते हैं ना, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने अपने जिंदगी में सब कुछ वर्क पे अचीव किया, तो मैं किसी का क्रिटिसिज्म क्यों लूं, ऐसा वो लोग सोचते हैं, ओके। और बहुत आसानी से आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, मोर बहुत डिपेंडेंट हो, आपको भी लोनलीनेस से डर लगता है, आपको भी अकेले रहने से डर लगता है, बट आपने अपने लाइफ में वो टाइम देखा है जब सबने आपको छोड़ दिया होगा, या एक टाइम आया होगा जब कोई भी आपके पास नहीं होगा, तो बहुत डरते नहीं हो आप किसी सिचुएशन से, ओके। तो और काफी रिच भी हो, इसकी भी वाइब आती है इस पर्सन को, लाइक अब ये चीज सबके लिए फॉलो नहीं करेगा, किसी किसी के लिए करेगा, कि समबडी जिसके पास है पैसा, ओके, समबडी जिसको बहुत इनहेरिटेंस में पैसा मिल रहा है, या जिसको कितना घर पे ऐसे जो प्रॉपर्टी एंसेस्टर्स का ये सब वो सब ब्ला ब्ला फैमिली वेल्थ तो वो मिल रहा है, तो इस टाइप का भी सिचुएशन यहाँ पे बनता है, ओके। और आप अपने मिस्टेक से लर्न करते हो और एक्सपीरियंस वाले पर्सन हो, बट आप जिसको चाहो, जिस तरीके से चाहो, जितनी चाबी चाहो उतना घुमा सकते हो, ये भी आपके पार्टनर को पता है, और कहीं ना कहीं आप उन्हें जो भी समझाओगे तो वो चीज़ वो समझ जाएंगे। सी, आपके पार्टनर के अंदर ऑफ कोर्स एक फियर है जो आपको लूज करने का है, ओके, कि कहीं आप कहीं भाग ना जाओ, कहीं निकल ना जाओ, कहीं चले ना जाओ, ओके। तो वहाँ पे शक आ जाएगा, वहाँ पे चेकिंग आ जाएगी, वहाँ पे आपके सारे बातों के बारे में जानने का इंटरेस्ट आ जाएगा, आप अपने करियर में क्या करना चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपके दोस्त नहीं हैं, आपका इंटरेक्शन आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा है, या आपके एक्सटेंडेड फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हो, एंड फॉर दैट मैटर कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोचते हैं कि शायद आप अपने मैरिज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किसके बारे में सोचा है, अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में भी सोच रहे हो या वाइफ के बारे में भी सोच रहे हो तब भी ये थिंकिंग चलेगी, या आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा हो किसी और से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो, आप किसी और के साथ मैरिड हो, या आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके दिमाग में ये फीलिंग है कि जब भी आपकी शादी होगी, जब भी आप शादी वाले सिचुएशन में जाओगे, तो आप बहुत ज़्यादा अपने मैरिज में इन्वॉल्व रहोगे, प्रेजेंट रहोगे, और कहीं ना कहीं अभी जो फैमिली सेटअप में आप हो उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आपको ये पर्सन थोड़ा फ्लर्टियस भी समझ सकता है और बहुत फैमिली ओरिएंटेड भी समझ सकता है, ओके, कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली में टाइम स्पेंड करने वाले पर्सन हो, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है इस पर्सन के नज़र में आपकी, ओके। देखिए देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, तो एक होता है ना जहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई ये पर्सन स्ट्रांग है, ये अपनी चीज़ों को कर पाता है या कर पाती है, उस टाइप की एक स्ट्रांग एनर्जी आपके लिए रन कर रही है, तो आपसे टक्कर लेना किसी का के लिए आसान नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं, या आप कितने भी बुरे सिचुएशन में चले जाओगे तो उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालने में सक्सेसफुल रहोगे, ये आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, एंड आपके वैलेंटाइंस डे पे सबसे, देखिए सबसे अच्छी जो चीज़ यहाँ पे निकल करके आई वो ये है कि इस पर्सन को एटलीस्ट आपको खोने का डर है, क्योंकि जिस टाइप का एनालिसिस उन्होंने आपके लिए किया है, अगर आप देखते हो तो मिले जुले से ठीक किया, ओके, सही है, अच्छा है, बिकॉज अगर वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, ओके, तो एक मिला जुला के जिसको कहते हैं ना, ठीक है, अच्छी एनर्जीज है, अगर वो आपके बारे में एकदम से भी पॉजिटिव सोचते हैं तो भाई ये भी एक चीज़ है जो बहुत वरी की बात है कि इतना कोई पॉजिटिव कैसे सोच सकता है, और किसी के भी अंदर 100% पॉजिटिविटी नहीं होती है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, वरना भगवान नहीं बन जाते, तो वो हो गई हमारी बात, ओके।
तो एक खोने का डर है और आपको एक स्ट्रांग पर्सन की तरह पोट्रे करते हैं, अपने काम पे डिपेंडेंट पर्सन पोट्रे करते हैं। थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें उन्हें खटकती है कि भाई अपने दोस्तों में ही सारा समय निकालो या अपने परिवार में ही सारा समय निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ओके, दे लाइक आप थोड़ा ना उन्हें छोड़ देते होगे कि भाई अभी तुमने लड़ाई किया, अभी तुम जाओ, ठीक है। या अब ये दुखी भी रहोगे तो बहुत ज़्यादा तुरंत तुरंत एफर्ट्स लेने के लिए नहीं दौड़ोगे, तो वो चीज़ में उनको ऐसा लगता है कि ये वाला पर्सन थोड़ा ज़्यादा एफर्ट ले ले तो ठीक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट एक अच्छी रीडिंग निकल करके आई है, एक पॉजिटिव रीडिंग निकल करके आई है। तो एकदम अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने इस पर्सन ने आपको जानने की इतनी मेहनत करी और आपके ऊपर आगे भी वर्क करने के लिए रेडी रहेंगे। तो ये हो गई हमारे द वर्ल्ड पाइल की रीडिंग। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ इसे आगे शेयर ज़रूर करें। ये एक बहुत छोटी सी हेल्प है जो मैं आपसे मांग रही हूँ। एज समबडी आप प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आगे ज़रूर किसी ना किसी को फॉरवर्ड करें जिसको आपको लगता है कि मे बी इस वीडियो की नीड होगी या होगा। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट पाइल आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो कोई रोना धोना नहीं, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन या आप, मतलब आप लोग हो सकता है फैमिली मेम्बर हो या कहीं जिसको कहते हैं ना बहुत समय से दोस्त, बहुत फैमिली फ्रेंड टाइप का सिचुएशन, इस टाइप का किसी सिचुएशन में आपकी एनर्जी रन कर रही है। आपके बारे में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप अपने परिवार से जुड़े हुए हो। ओके, बहुत ज़्यादा परिवार से आपका ओरिएंटेशन है, सारी बातें वहाँ पर डिस्कशन कर करके ही करोगे या उनके अकॉर्डिंग ही करोगे। ओके, तो ये एक उनकी फीलिंग है कहीं ना कहीं किसी के पार्टनर्स को, किसी किसी के, ओके, सबके पार्टनर्स को नहीं, किसी किसी के पार्टनर्स को ऐसा भी लग सकता है कि ये जो ओरिएंटेशन है ये कहीं ना कहीं पैसे के बेनिफिट के लिए है। ओके, या किसी टाइप के बेनिफिट के लिए है। ओके, बट हाँ, आपका परिवार से लेना देना है, आप परिवार की वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वहां एंगेज रहना चाहते हो, ये आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है द हेरोफेंट का। तो ऑफ कोर्स एक अच्छे ट्रेडिशनल मॉडर्न कम लिबरल फैमिली से आप बिलोंग करते हो, एक अच्छी फैमिली है आपकी, इक्वालिटी में बिलीव करती है, प्रॉब्लम्स सुनने के लिए आप रेडी रहोगे, एक ऐसे पर्सन की तरह ही आपको देखते हैं जो कि स्टेटस वाला पर्सन है। ओके, जिसकी एक वैल्यू है, जिसे जिसके पास लोग आते हैं हेल्प मांगने के लिए, जो लोगों की हेल्प करने को रेडी होता है। ओके, एंड फैमिली वाइज ये सोचते हैं कि आप बहुत एक अच्छे परिवार से आते हो। ओके, और आपके फैमिली में बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल होता है, सब एक दूसरे से बात कर करके चीज़ों को करते हैं, तो एक हैप्पी पिक्चर है आपके फैमिली के रिस्पेक्ट में इस पर्सन का। 3 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन और आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा है, तो जो प्यार रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, बट एक चीज़ है कि ये इनके दिल में एक फीलिंग और है कि कहीं ना कहीं शायद आप अपने पास्ट रिलेशनशिप को पूरी तरीके से भूल नहीं पाए हो या पास्ट रिलेशनशिप से निकल नहीं पाए हो, या आपने अगर कभी इनको अपने पास्ट किसी रिलेशनशिप के बारे में बताया होगा तो वो चीज़ें ना इनको मन में थोड़ी ना खटकती हैं कि लाइक क्यों है, क्यों है, ओके, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें इनके मन में आती होंगी। बट उससे आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो ये आ गया हमारा नेगेटिव कार्ड। तो ऑफ कोर्स आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से रियलाइज़ होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं आपके लाइफ में जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो, जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, जिसमें वो आपकी हेल्प चाह के भी नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप इस पूरे सिचुएशन से निकलो, सोशलाइज करो, बाहर जाओ और ज़्यादा चीज़ लोगों में इन्वॉल्व रहो, बस लिमिटेड स्फेयर में ना रहो, बहुत सारे लोगों से इन्वॉल्व, मतलब बात वगैरह करो अच्छे से, मगर कहीं ना कहीं टेंशन में ना रहो। वो कभी कभी सोचते होंगे कि आप अगर स्ट्रेस लेते हो या वरी करते हो या कोई बात आप सोच रहे हो तो वो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और ओवर थिंकिंग की वजह से आप वरी करने लगते हो। ये फीलिंग उस पर्सन के अंदर है कि कहीं ना कहीं आप अपने ही थॉट्स में, अपने ही हालातों में अपने आप को बांध लेते हो, तो ये नहीं करना। ओके, ये किसी भी हालत में नहीं करना है भाई। आप लोगों के झगड़े होते हैं, आप दोनों स्ट्रांग ओपिनियन वाले
लोग हो तो आप लोगों के झगड़े होंगे। अब झगड़े का मतलब ये नहीं होता है कि आपने चिल्लाया मैंने चिल्लाया तो ही झगड़ा हुआ। अगर मेरा और आपका डिफरेंसेस है तो भी झगड़ा होगा। अगर मैं और आप अलग अलग पेजेस पे खड़े हैं और हम दोनों के बीच में कोई कॉमन कंक्लूजन नहीं निकल के आ पा रहा है तो भी झगड़ा होगा, कोल्ड वॉर होने के भी चांसेस हैं। लड़ाइयों के लिए ब्लेम आपके ऊपर जाएगा। हमेशा आप अपने आप को बचा बचा के चलना चाहते हो, अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर लेते हो और कहीं ना कहीं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ओके, तो ये इस पूरे सिचुएशन में एक चीज़ है कि आपके लिए ये सोचते हैं ये पर्सन कि आप बहुत पीसफुल हो सकते हो, बट आप अपने शायद माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने माइंड को टेम नहीं कर पा रहे हो, तो आप बहुत टेंशन लेते हो और ये चीज़ आपके पार्टनर को थोड़ा हैरान परेशान करती होगी। वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे मगर अगर आप ये चाहोगे ना कि वो एकदम डीप 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 बातें करें तो उसमें थोड़ा फेल हो जाएंगे ये, बिकॉज इनकी जो एनर्जी चल रही है उसमें थोड़ा एनर्जी सरफेस पे है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार कम करते हैं, इसका मतलब बस ये है कि उतने डेप्थ पे नहीं जा पाएंगे। ऑफकोर्स समबडी जो कि बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत होमली है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, जिसको कभी उस टाइप का प्यार रिटर्न में नहीं मिला जिस टाइप का प्यार उन्होंने दिया। दूसरे जो किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है वो ये है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। ओके, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तो इमोशनल डिपेंडेंसी अगर आप रिलेशनशिप में हद से ज़्यादा दिखा रहे हो ओके, तो वो मत दिखाइए। और ऐसे भी आपकी एनर्जी में एक चीज़ है कि आप जब सोचते हो तो सोच डालते हो बस, लाइक उसके कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ना एकदम फास्टली आपके दिमाग में चलती हैं, ए बी बी सी सी डी ऐसे करके एकदम आप कनेक्ट करते चले जाते हो पॉइंट्स को, और जनरली वो पॉइंट्स आपके फेवर में नहीं होते हैं माइंड में। तो थोड़ा अपने माइंड को टेम कीजिए। ओके, माइंड कैन बी अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर। ओके, सो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई सी आपकी ऐसी बात यहाँ पे निकल करके आई होगी जो कि आपके पार्टनर को जान करके ऐसा लगा होगा जैसे कि आपने कुछ मेजर चीज़ अपने लाइफ में छुपा ली थी। ओके, उस चीज़ की एनर्जी आपके रिलेशनशिप को परेशान करती है। ओके, और कहीं ना कहीं आप चीज़ें छुपाते हो, बहुत ईजिली बताते नहीं हो, ये चीज़ भी उनके माइंड में चलता है, टेंशन है। अगर आप जैसे अपने थॉट्स उनको बताना शुरू कर दोगे ना, मैंने ऐसा सोचा, तो ये बहुत टेंशन में चले जाएंगे, दे विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू। ओके, ये आपको अवॉइड करने लगते हैं। तो अभी के लिए अगर आप मेरे से पूछते हो ना, तो देखिए यहाँ पे थोड़े आप बुरा ना माने बट आपको थोड़ा करेक्शंस अपने एनर्जीज में लाना होगा, जिसमें कि आपको अपने एनर्जीज पे वर्क करना होगा ताकि आप स्ट्रेस से ऊपर उठ सको, अपने माइंड को पीस दे सको और इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस को आने दे सको। ओके, वरना ये टेंशन आप टेंशन वो टेंशन, तो ये तो टेंशन भरा रिलेशनशिप हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप बहुत हायर लेवल पे जा सकता है। ओके, बहुत अच्छे पैगामों बहुत अच्छे मुकामों पे पहुंच सकता है। तो उसको मूविंग करने के लिए, उसको आगे बनाने के लिए अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करना होगा, रिश्ते में बुद्धि लगा के चलनी होगी, इस बुद्धि को सही डायरेक्शन में चलाना होगा, रिश्ते को पॉजिटिव रख के चलाना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो अच्छा नहीं चाहते हैं आपका रिलेशनशिप का, उनके सामने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर करके चलना होगा। तो ये पर्सन लाइक सोचते हैं कि हाँ आप नेगेटिव हो जाते हो एट टाइम्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत टेंशन लेते हो। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा झगड़े ना करें, बिकॉज देखिए आप भी टेंशन में रहोगे, ये भी टेंशन में रहेंगे, रादर ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो। जैसे हमारी कोई महंगी चीज़ होती है तो हम उसे कितना संभाल के रखते हैं, किसी की नज़र ना पड़े, कोई चोरी ना हो जाए, तो वैसे तरीके से अपने रिलेशनशिप को भी सेव करके रखें। ओके, तो ये बात है। और अगर देखिए अगर आप अपने फैमिली से इंडल्ज्ड भी हो और आपका फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तो उस पूरे सिचुएशन में आप इस पर्सन को कभी ऐसा ना फील होने दें कि ये आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। ओके, चाहे वो हिस्सा हो या ना हो, आप उनको भी एज अ फैमिली ही ट्रीट करने की कोशिश करें। हद से ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी ना दिखाएं, हद बिल्कुल नहीं। और जो लोग एक मैरिड सेटअप में हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये इमोशनल डिपेंडेंसी वाली चीज़ तो है ही, बट दे नो, मन से उन्हें पता है
कि उनके बच्चों को या इस पूरे सिचुएशन में आपसे अच्छी मदर किसी को नहीं मिल सकती थी, या आपसे अच्छा होम टीचर या आपसे अच्छा फादर किसी को नहीं मिल सकता था। नज़र रखते हैं आप पे और आप भी इन पे नज़र रखते हैं, या आप पे और आप भी इन पे नज़र रखते हो, ये बात इनको पता भी है, आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। आप दोनों ही नहीं छोड़ोगे इसको, दोनों ही रेडी नहीं रहोगे इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए। चाहे कितना भी सर दर्द हो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो, आप दोनों इससे निकलना नहीं चाहोगे। तो जिससे कभी कभी तो इनको ऐसा लगता होगा या आपको कभी बोलते होंगे कि भाई ये फंस गए इस रिलेशनशिप में, बट ऐसी उनकी कोर फीलिंग नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोर फीलिंग होती तो आपसे लड़ाइयों के बाद ये भी टेंशन में नहीं होते। ओके, तो ऑफकोर्स एक चीज़ जो है वो ये है कि इक्वालिटी रखने की कोशिश करें रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा पकड़े भी नहीं, इनसिक्योरिटी शक और ये सब चीज़ में ना इंगेज करें, और बहुत ज़्यादा एकदम जिसको कहते हैं ना कि जाओ जो करना है करो, बिल्कुल 200% फ्रीडम उसमें भी नहीं जाना है। ओके, तो एकदम प्रॉपरली होल्ड करना है, अच्छे से होल्ड करना है, ताकि आपके रिलेशनशिप आपके लिए भी रहे और आप दोनों की पर्सनल लाइफ भी अच्छे से चले और आप दोनों का जो टुगेदर लाइफ है वो भी अच्छे से चले। ओके, तो ये हमारी रीडिंग आ गई आपके लिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि देखिए, ओवरऑल रीडिंग आपकी भी अच्छी आई है, बट कुछ एनर्जी करेक्शंस हैं जो आप दोनों को मिलके करना होगा। मेक देम फील इम्पॉर्टेंट, थोड़ा इम्पॉर्टेंट फील कराएं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता होगा कि आप वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन वरी अपने इनसिक्योरिटीज़ को इस पर्सन पर डालना, अब पहले आप अपनी एनर्जी पे वर्क करो, जैसे ही आपकी एनर्जी सही हो जाएगी आपका रिलेशनशिप भी सही हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी फोकस करने के लिए। तो चलिए, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, एंड इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।